हाय, गुड इवनिंग टू ऑल। देखिए, नीट पोस्टपोनमेंट का जो टूटिंग चल रहा है, इट्स ओके। हाँ, आपको प्रॉब्लम है, आप अपना प्रॉब्लम बता रहे हो, बट ये नहीं कि आप अपना पढ़ाई छोड़ के वो सब करो। 20 दिन भी नहीं बचे एग्ज़ाम को, एंड इफ़ आपको कम टाइम मिल रहा है तो आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर पोस्टपोन होना होगा तो हो जाएगा, उन लोगों के पास बात पहुँच चुका है। आप कुछ चैनल्स ऐसे बने हैं स्पेशली नीट पोस्टपोनमेंट कराने के लिए। अगर यूट्यूब से या फिर इससे पोस्टपोन होना होता तो हो गया होता, ट्रेंडिंग पे बहुत बार आ चुका है। बच्चे सुइसाइड कर रहे हैं क्या? आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, किसी के जान बच्चा हो गया, कैसे आप खुद की जान ले सकते हो? हाउ? एक बार सोचो, तुम्हारे पेरेंट्स को कैसा लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा? उन लोग इस दिन के लिए गए थे तुमको बता? क्या यार, पढ़ लो, जितना भी टाइम बचे पढ़ लो। आपको डॉक्टर बनना है, ये नहीं कि सुसाइडर। क्या चल क्या रहा है? एंड अभी टाइम है, जितना भी नहीं कर रहे हो रिजल्ट के बाद में पछताओगे। हाँ, मैं ये भी मानती हूँ कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है श्री धर्मेंद्र प्रधान, वो भी गलत कर रहे हैं। एटलीस्ट बता देना चाहिए कि हाँ, पोस्टपोन हम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। कुछ नहीं, साइलेंट बैठे हैं। सोचो, अगर आप इतना लोगों के बात साइलेंट हो गया है तो एक जन का बात क्या ही सुनते होंगे वो लोग? तो नहीं सुनेंगे यार, पढ़ लो, क्यों इसमें टाइम वेस्ट करना। थैंक यू। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी समझ सकती हूँ प्रॉब्लम क्या है। मैं अमन भाई का एक वीडियो अभी आलसी मत हो, वरना होगा 2 महीने बाद गिल्ट, 2 साल बाद और ज्यादा गिल्ट, 20 साल बाद और ज्यादा गिल्ट कि काश उस दिन पढ़ लिया होता। उस टाइम सारे रिसोर्सेज थे, घरवालों ने पैसे भी लगा दिए थे, पर मेरे मन में पता नहीं क्या रखा था। मुझे किसी से बात करनी थी, मुझे कहीं पर टाइम लगाना था। मेरे हाथ से मोबाइल नहीं छूट रहा था, मेरे हाथ से लैपटॉप नहीं छूट रहा था, मैं अपनी किताब के ऊपर नहीं बैठ पा रहा था, इसलिए बेटा मेरे से ये नहीं हो पाया। पर किसी को फर्क नहीं पड़ेगा आपका इसलिए वाला इंटरव्यू सुनने के लिए। अरे आया ना।